हे गाइस, आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज गुरु में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर के कुछ शॉर्टकट की के बारे में बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से अगर आप नए हैं कंप्यूटर को चलाने वाले तो बहुत ही ज़्यादा आसानी से आप कुछ बड़े काम भी कर सकते हैं और आप ज़्यादा अच्छी तरीके से कंप्यूटर को समझ भी पाएंगे। तो चलिए, बिना समय गवाए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो पहला ट्रिक है दोस्तों, वह है F1 शॉर्टकट की का प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, F1 जब भी आप कभी किसी परेशानी में हो, किसी भी टैब पे हो, कहीं भी हो, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो सिंपली आप F1 को प्रेस कीजिए। जैसे आप F1 प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपको हेल्प डेस्क खोल करके चलाएगा। जैसे मैंने क्रोम खोला हुआ था और यहाँ पे हमने F1 प्रेस किया तो क्रोम से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर चले आए हैं, जहाँ पे मैं इनको क्लिक करके पढ़ सकता हूँ और अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन पा सकता हूँ। दोस्तों, बात करेंगे हम F2 की, अब दूसरे शॉर्टकट की F2 की। यहाँ पे अगर हम अपने फाइल मैनेजर में हैं और किसी फाइल को हमने सेलेक्ट किया और उसमें हम F2 प्रेस कर देते हैं तो डायरेक्टली हमको यहाँ पे रीनेम करने का ऑप्शन आ जाता है। किसी भी फाइल को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए और F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे सिंपली आप कुछ भी और नाम दे करके इसको सेव कर सकते हैं। दोस्तों, बात करेंगे हम F3 की कि F3 का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप किसी भी टैब में हैं और F3 पे प्रेस कर देते हैं तो यहाँ पे आपको एक सर्च बॉक्स खुल जाएगा, जहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए किसी साइट पे आप हैं, इस तरीके से किसी साइट पे हैं और आपको कुछ सर्च करना है तो F3 प्रेस कीजिए और यहाँ पे आपको जो भी सर्च करना है वो यहाँ पे सर्च कर लीजिए। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BIGG। ये देखिए, हमने बिग सर्च किया तो यहाँ पे हमारे सामने में दिखाऊंगा मैं आपको कि यहाँ पे ये कलर होकर के चलाया बिग, जहाँ पे भी लिखा हुआ, जितने भी टाइम लिखा होगा वो सारे वर्ड यहाँ पे जो है कि कलर्ड हो जाएंगे, उससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका वर्ड कौन सा है। दोस्तों, बात करेंगे हम यहाँ पे अगले शॉर्टकट की तो यहाँ पे अगला मेरा शॉर्टकट की है वो है F5। जी हाँ दोस्तों, F5 का यूज़ करके आप अपने पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर को भी रिफ्रेश कर सकते हैं। मान लीजिए आपके फ़ोन में या फिर सॉरी आपके कंप्यूटर में कभी भी कोई प्रॉब्लम आता है और वो हैंग कर रहा है तो आप F5 प्रेस कीजिए। जैसे इस तरीके से आप F5 को जब आप प्रेस करेंगे तो इस तरीके से जो है कि आपका कंप्यूटर रिफ्रेश हो जाएगा और आपका सॉल्यूशन हो सकता है, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम दूर हो सकती है। दोस्तों, हम बात करेंगे अगले यहाँ पे जो है कि शॉर्टकट की तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अल्टर के साथ F4 प्रेस करने पे, जैसे ही आप अल्टर के साथ F4 प्रेस करेंगे आपका जो भी टैब ओपन होगा वो बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, चाहे आप कितने भी टैब यहाँ पे ओपन किए हों। दोस्तों, बात करेंगे हम अगले जो है कि यहाँ पे शॉर्टकट की कि अगला हम शॉर्टकट की बताते हैं कि अल्टर के साथ इंटर। अल्टर के साथ अगर आप इंटर प्रेस करते हैं और किसी तरीके की फाइल पे अगर आप हैं तो उसका यहाँ पे डिटेल खुल जाएगा, वहाँ पे प्रॉपर्टी खुल जाएगी उसी की, आप उसकी प्रॉपर्टी को जान सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे अपने माय कंप्यूटर में चलाया हूँ, उसके बाद यहाँ पे हमने एक फाइल सेलेक्ट की, अब हमको इसकी प्रॉपर्टी जाननी है कि कितने MB का है, कितना इसका लोकेशन क्या है और वगैरह वगैरह। तो आप अल्टर के साथ इंटर को प्रेस कीजिए और यहाँ पे आप उसकी लोकेशन टाइप, फोल्डर टाइप और भी चीज़ों को यहाँ पे जान पाएंगे। चलिए, बात करेंगे दूसरे ट्रिक की, अल्टर के साथ स्पेस बार। जी हाँ दोस्तों, अल्टर के साथ स्पेस बार अगर आप प्रेस करते हैं तो इस तरीके से आपको कॉर्नर में जितने भी इस पेज पे शॉर्टकट की आप यूज़ कर सकते हैं उसके यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे क्लोज करने के लिए अल्टर के साथ F4 आ रहा है फॉर एग्जाम्पल। दोस्तों, हम बताएंगे आपको अगले यहाँ पे शॉर्टकट की के बारे में कि अल्टर के साथ अगर आप टैब प्रेस करते हैं तो क्या होता है। जैसे यहाँ पे आप अल्टर के साथ टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपने जितने भी आपको यहाँ पे टैब खुले होंगे वो दिख जाएंगे और टैब की मदद से आप अलग अलग टैब पे जा करके उसको ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको कुछ शॉर्टकट की के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। जैसे कि कंट्रोल ए के साथ अगर आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पे सारा कुछ जितना भी ये ब्लू हो जाएगा वो मतलब कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल ए का मतलब कॉपी नहीं होगा, कंट्रोल ए के साथ आपका जो भी होगा ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप सिंपली कंट्रोल सी का प्रयोग करके इसको कॉपी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको कोई डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ डी प्रेस कीजिए, वो डिलीट भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डिलीट का ऑप्शन भी आ रहा है। और अगर आप किसी को पेस्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपने कंट्रोल ए करके इसको सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी करके इसको कॉपी कर लिया और यहीं से अगर आप कंट्रोल डी कर देते हैं तो ये कट भी हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, अगर आप यहाँ पे प्रेस करना चाहते हैं, मान लीजिए इसको पेस्ट करना चाहते हैं कहीं और, इसको लिखना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ भी प्रेस कीजिए, ये और भी दूसरी जगह पर पेस्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट